हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 2 फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस यूनिट 5। यूनिट 5 का नेम है मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। तो इसके अंदर दो टॉपिक जो है वो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिए थे, नीड फॉर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, टाइप ऑफ फाइनेंशियल नीड। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल। फर्स्ट वन जो है वो कंप्लीट कर लेते पहले, उसके बाद में हम उसके आगे चलेंगे, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को पहले ही समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप छोटा सा भी सेटअप करना चाहते हो, तो वहां पर पहले तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि जो आपकी ऑनरशिप कैपिटल है वो आप लगाओगे, जो आपने सेविंग में से बचाई है या किसी भी तरह से जो भी बचा के रखी है वो, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में क्या कि आप शॉर्ट टर्म्स लोन ले सकते हो, लॉन्ग टर्म्स लोन ले सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो। वैसे कंपनीज में डिबेंचर इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी में क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर वगैरह जो है वो इशू कर सकते हैं अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर क्या है, जब हम बोरोड कैपिटल करते हैं तो हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं किसी भी अपने पर्टिकुलर रिलेटिव से, फ्रेंड से, या फिर कमर्शियल बैंक से, या फिर कोई अदर बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी क्या कराते हैं, हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई बातें अगर कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उस टाइम पे दो टाइप होते हैं हमारे पास। एक तो होता है ओनरशिप कैपिटल जो हम अपनी सेविंग्स में से लगा रहे हैं, एक होता है बोरोड कैपिटल जो हम लोन लेकर लगा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन इन व्हिच वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर यूज टू मेट द टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आपके बिजनेस में कितनी रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाएगा। सबसे पहले तो वही देखोगे ना कि आपके बिजनेस में आपको कितना रॉ मटेरियल लेना है, उसके लिए कितना खर्चा करोगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे, कितना 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 खर्चा आप करने वाले हो वो, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास प्रोपोर्शन होता है कि कितना आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, कितना आप इक्विटी शेयर लगाने वाले हो, कितना आप डिबेंचर के ऊपर खर्च करने, डिबेंचर लेने वाले हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कितना कितना आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो आपकी जो कैपिटल है ओनरशिप कैपिटल कम है, ठीक है, आपने जो लगाई है ओनरशिप कैपिटल वो कम है, लेकिन आपने लोन बहुत सारा लिया हुआ है, तो आपकी कंपनी को अगर इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको लोन चुकाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम भी होगी उसको पे करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको आगे पढ़ के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को कुछ फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर किस तरह का, नेचर ऑफ द बिजनेस उसकी प्रकृति कैसी है। देखो, कुछ बिजनेस होते हैं जो सालों साल चलते हैं, मीन दैट कि पूरे 12 मंथ जो है वो चलते हैं, मतलब हर मंथ में उनका कुछ ना कुछ काम होता रहता है। जैसे कि अगर आटा, या फिर अगर ऐसी कोई हम मान लें कुछ ऐसी आपकी बिजनेस है जो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है जो कस्टमर्स के लिए क्या है ही नेसेसरी है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा, तो वहाँ पर क्या है आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि हाँ, मुझे एक मंथ में या दो मंथ में मुझे इतना प्रॉफिट होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप उसको ईजिली पे कर लोगे, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ इस तरह के बिजनेस होते हैं जैसे 6 महीने चलते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर उन्होंने कोई बड़ा लोन ले लिया, मान लो लॉन्ग टर्म लोन काफी ज्यादा ले लिया उन्होंने, तो उनको पे करने में कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि 6 महीने तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है और बाकी का 6 महीने वो इंटरेस्ट कहाँ से भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस भी देखा जाता है कि किस तरह का आपका बिजनेस है, तो उसी के हिसाब से आप अपनी कैपिटल को स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर्स के चौथे कंपनी की, आपके बिजनेस जो भी कंपनी है उसका कैरेक्टर स्किच कैसा है। कैरेक्टर स्किच का मतलब है कि मतलब स्मॉल कंपनी है, यानी कि स्मॉल कंपनी है तो आप ऑनरशिप की कैपिटल लगाओगे और उसको चलाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी लार्ज कंपनी का साइज है तो वहाँ पर क्या है कि डिफरेंट शोर्स आपको रेज करने पड़ेंगे, अलग अलग फंड बनाने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर, डिबेंचर वगैरह सब कुछ इशू करना पड़ेगा ताकि आप अपनी कंपनी को क्या कर सको, उनकी कैपिटल को बढ़ा सको। नेक्स्ट है
मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो मैनेजमेंट कंट्रोल भी देखा जाता है कि अगर आप मान लो कि आपकी कंपनी में अगर आपने सारे के सारे इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है, आपने सब मतलब जितनी भी आपको कैपिटल चाहिए सब आपने इक्विटी शेयर से ही लगवा ली, तो अब आपकी कंपनी में अगर कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, तो जो कंट्रोल है वो किसके पास में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो वो जो इक्विटी शेयर जो परचेज कर रहा है वो भी हमारी कंपनी का एक हिस्सा बन जाता है ना, मेंबर बन जाता है, तो उसको वोटिंग का हक होता है, ठीक है, तो वो हमारे मैनेजमेंट में बार बार जाकर क्या करेगा, उसको अटकाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम क्या करें, कुछ इक्विटी शेयर भी इशू करें, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हम डिपेंच मतलब लोन ही लेते रहें, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे इक्विटी शेयर इशू कर दें, तो मतलब अपने मैनेजमेंट के हिसाब से हमें इक्विटी शेयर या फिर वो जो है अपना लोन लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अब देखो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या है कि जैसे अगर आप बिजनेस में बोरोड कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते रहो, ठीक है, बट इक्विटी कैपिटल पर तो प्रॉफिट को शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट शेयर करना है या कितना परसेंट आपको लोन पे करना है, तो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के अंदर। उसके बाद है एक्सपेक्टेड अर्निंग इन रिलेशन टू इंटरेस्ट चार्जेस। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है कि जैसे अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, उसकी एवरेज अर्निंग अगर आप निकाल रहे हो तो वो एवरेज अर्निंग क्या है, आपने जो इंटरेस्ट मतलब जो आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है उससे 3 या 4 times ज्यादा है एवरेज अर्निंग, तो आप उस लोन के लिए परफेक्ट हो, आप सेफ हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट इतना सारा लिया मतलब अगर आपने लोन काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कर पाई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश यानी कि जब आप डेप या मतलब क्या है इसके अंदर जो भी आप इशू करते हो मतलब जो भी आप डिबेंचर डेप्स वगैरह उसका प्रोपोर्शन जो है वो इशू करें, उससे पहले आप क्या करो अपनी अवेबिलिटी ऑफ कैश भी देख लो कि कितना पैसा मेरे पास रहता है, कि अगर मैंने इंटरेस्ट लिया मतलब अगर मैंने लोन लिया है तो क्या मैं इसको टाइम टू टाइम पे कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है। अब आपके पास तो पैसा रहता नहीं है, ठीक है, आपने जो पैसा है वो कहीं से लेकर कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ जो प्रॉफिट में से बचता है वो आपका खुद का खर्चा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है और इन सब चीज़ों पे करना है, तो आप इंटरेस्ट कहाँ से पे कर पाओगे, तो वो भी देखो कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश आपके पास कितनी है। ये नहीं कि क्रेडिट पे सब कुछ चल रहा है और जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ आपके पास होता है और उतना ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो भाई अगर आपने लोन ले लिया तो वो कहाँ से पे करोगे, उसका इंटरेस्ट भी तो आपको टाइम टू टाइम पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर मान लो कि पहले आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर थी वो आपने किसी और तरह से लगाई हुई थी, मीन्स कि कुछ बोरो का किया हुआ था वो आपके पास ज़्यादा था, ठीक है, और कुछ आपके पास लोन में था, ठीक है, मतलब जो भी है कि पहले आपकी क्या था कि आपके पास जो आपने लगाया था ऑनरशिप का वो ज़्यादा था और फिर उसके बाद में लोन कम था, लेकिन अब आपको क्या है आपके बिजनेस जो है वो बढ़ने लगा है, एक टाइम से ग्रो करने लगा है, ठीक है, तो अब अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा लोन बढ़ा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप इंटरेस्ट आराम से पे कर सकते हो क्योंकि आपके जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि टाइम आने पर अपने सोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर के आप चेंज कर सको, उनको ठीक से मैनेज कर सको, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल। तो देखो कंपनीज में या फिर सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में तो सब में क्या है अलग अलग तरीका है अपनी कैपिटल को रेज करने का। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप की, तो इसके अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ओन सेविंग, ठीक है, जो खुद की सेविंग है वो सोल प्रोप्राइटर लगाता है और पार्टनरशिप उसको ही लगाते हैं, जितने भी पार्टनर्स आते हैं तो वो खुद की अपनी कैपिटल लगाते हैं ना, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है जितना भी उस पर्सन के पास है ओनर के पास है वो अपनी सेविंग्स में से लगाता है, ठीक है, या फिर वो लोन ले लेते हैं अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से, ठीक है। अगर उनको और भी पैसा चाहिए तो वो कॉमर्शियल बैंक से, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनसे एडवांस में ले सकते हैं पैसा, ठीक है, एज ए लोन, ठीक है। और उसके बाद में कुछ फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कराती हैं, तो उनसे भी जाकर हम लोन ले सकते हैं अगर हमें अपनी और भी ज़्यादा बढ़ानी है, ठीक है। तो इस तरह से
हम लोन जो है वो लेकर यानी कि अपने कैपिटल कैपिटल को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कंपनीज के तरफ। तो कंपनीज में क्या होता है, कुछ लॉन्ग टर्म्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, कुछ मीडियम टर्म्स लोन होते हैं। ठीक है, मतलब लोन या फिर हम माने कि जो भी पैसा है कैपिटल वो, ठीक है, कैपिटल कुछ लॉन्ग टर्म्स कैपिटल होती है, कुछ शॉर्ट टर्म्स कैपिटल होती है, कुछ मीडियम टर्म कैपिटल्स होती है। तो उनको हम किस तरह से बढ़ा रहे हैं वो इसके अंदर देखते हैं। तो कंपनी में कुछ अगर हम लॉन्ग टर्म्स या फिर मीडियम टर्म्स की बात करें तो इसके अंदर आता है इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर इशू करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास इक्विटी शेयर, एक होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। तो जो हमारे पास इक्विटी शेयर होता है उनको वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं अगर कोई भी मतलब कुछ भी होता है अपने मतलब पर्टिकुलर जो भी आप कंपनी है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर कोई भी डिसीजन या पॉलिसी अगर आप ले रहे हो या उसके अंदर चेंज कर रहे हो तो वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वोट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो वहां पर कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर के अंदर क्या होता है, फिक्स रेट नहीं होता है कि अगर कभी भी प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उनको उसके हिसाब से पे करना पड़ता है, अगर प्रॉफिट कम होता है तो उनको उसके हिसाब से पे करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर की तो यहाँ पर जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है कि अगर चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, मतलब प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तब भी मतलब इतना पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी के पास जनरली ये पावर होती है कि वो बोरो कर सके, रेज कर सके लोन बाय इशू डिबेंचर एज सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफाइड फेस वैल्यू। किसी भी फेस वैल्यू पर वो डिबेंचर इशू कर सकती है, मतलब कितनी फेस वैल्यू रख सकती है, 10 से 100 तक, या उसको बढ़ा सकती है। उसके बाद है यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजली लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को रिस्क नहीं होता। ठीक है, इस वजह से वो क्या करता है कि जो लो मतलब कि जो अदर मतलब फाइनेंस इंस्टीट्यूट है या कॉमर्शियल बैंक है उनसे कम रेट पे हमें लोन जो है वो यहाँ से मतलब जो पैसा है वो यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, डिबेंचर को वोटिंग राइट भी नहीं होता, डिबेंचर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर इंडस्ट्रियल राइट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये सब क्या कराती है, हमें लोन प्रोवाइड कराती है, जिसको हम डिटेल में यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके नेम और बिल्कुल अलग बिल्कुल पूरा डिटेल के अंदर। ठीक है, यूनिट 6 के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, कुछ कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स रेट होता है इनका। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि आपके जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर कितनी असेट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका 50% या 75% आपको लोन में दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इश्यू आता है या कोई भी अगर आप पे नहीं कर पाओगे उनका मतलब जो भी अमाउंट है, तो वो क्या करता है कि आपके असेट उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वो रिस्क नहीं लेना चाहते ना, तो इसके हिसाब से वो पहले देख लेते हैं कि कहीं आपका बिजनेस इतना कम ना हो कि अगर आपने लोन ज़्यादा ले लिया तो आप पे ही ना कर पाओ, तो हम कहाँ से अपना लोन भरेंगे भाई, उनको भी तो देना होता है ना आगे जवाब। ठीक है, तो उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में क्या है, कमिंग फंड रेज कर मतलब जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, फंड रेज करती हैं। कंपनीज क्या करती है, फंड रेज करती हैं ताकि शेयर होल्डर एम्प्लॉयज या फिर जो भी जनरल पब्लिक है अपनी सेविंग्स को इसके अंदर डिपॉजिट कर सके। ठीक है, और इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद में है जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कंपनी। ठीक है, कुछ मतलब इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट के अंदर क्या है कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी जो है 35 लाख से कम है प्लांट्स एंड मशीनरी, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट 35 लाख से कम है या फिर उतनी ही है, तो क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डज नॉट एक्सीज 8 लाख। जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है यानी कि पब्लिक डिपॉजिट है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं करा सकते। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पेड अप कैपिटल जो होगी वो 12 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। डिपॉजिट के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, डिपॉजिटर जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। पब्लिक को डिपॉजिट के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि पब्लिक को डिपॉजिट के लिए कह सकते हैं और पब्लिक को डिपॉजिट के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद में है
रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर ये देखने वाला बात है कि अगर मान लो आपकी कोई भी कंपनी है या फिर आप नॉर्मल छोटा सा बिजनेस भी करते हो, तो वहां पर आपको कुछ अमाउंट तो है कि रिटेन करके, मतलब रिजर्व करके रखना पड़ता है, ताकि आगे बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम आए या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो, मतलब वो क्या है, बिजनेस में लगा हुआ है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो कुछ भी चीज़, मतलब कुछ टूट फूट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो हम उसको, मतलब उसको सहन कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, रिजर्व करके रखना होता है कुछ प्रॉफिट को। तो इसके, और मतलब अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या है कि आपको 10% क्या है, आप रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, 10% रिजर्व करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो आप डिविडेंड के थ्रू उन लोगों को पे कर सकते हो जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में 10% तो आप रख सकते हो, लीगली परमिट है, लेकिन अगर आप 10% से ज़्यादा रखने चाहते हो तो आपको कुछ जो कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी जो रिटेंशन है वो 10% से कम रखना चाहते हो तो डिविडेंड उन्हें मतलब जो डिविडेंड होता है, जो आपने पास मतलब पास्ट में जो भी डिविडेंड पे किया है उसके हिसाब से आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारी शॉर्ट टर्म्स होती हैं वो, तो शॉर्ट टर्म्स में आपका ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट से जैसे आपका मतलब, यहाँ पर ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार और क्रेडिट मतलब क्रेडिट पर व्यापार, तो क्रेडिट पे व्यापार ही होता है भाई। अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल वगैरह, तो आप भी क्रेडिट पे खरीद के लाओगे, ऐसा तो नहीं है कि सारा अमाउंट पे कर दोगे वहीं की वहीं। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं भाई वो पे कर देती हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो वो जो मतलब जहाँ से भी वो पे करा मतलब खरीद रही है रॉ मटेरियल, तो उनको 3 से लेकर 6 महीने तक का टाइम मिल जाता है कि आप 3 महीने में या 6 महीने में वो जो अमाउंट है वो पे कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो व्यापार कैसे चल रहा है, ट्रेड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल मिल गई, मतलब थोड़े टाइम के लिए रिलैक्सेशन मिल गया, ताकि जब वो भी जो इतना भी अमाउंट था, जितना भी उन्होंने रॉ मटेरियल लिया है, तो उसमें अपना सामान बचा बनाकर और वो उसको अदर पार्टी यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको बेचकर उसमें से प्रॉफिट लेगी और उसके बाद में उसको पे कर देगी, तो यहाँ पर उसको इतना हेडेक नहीं हुआ। उसके बाद है फैक्टराइंग। फैक्टराइंग में क्या होता है कि असाइनमेंट ऑफ बुक डेब्ट्स टू अ बैंक एंड रिसीविंग कैश इन एडवांस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द डेब्ट्स टेकन ओवर बाय द बैंक ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड चार्जेस। ठीक है, कुछ चार्जेस लेती है और उसके बाद में इसको पे कराने के लिए बोल देती है। अब इसमें देखो, इसके बाद क्या है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जब आप क्रेडिट पे कोई भी परचेज करते हो या क्रेडिट पे कोई भी सामान बेचते हो, ठीक है, तो मान लो अगर आपने क्रेडिट पे कोई भी सामान कस्टमर को बेचा है, तो वहां पर आप एक बिल बनाते हो। बिल बनाने के बाद में वो जो बिल होता है, अगर मान लो आपके बिजनेस के अंदर पहले ही, मतलब वो जो मेच्योरिटी की डेट है उसको कंप्लीट होने से पहले ही आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप बैंक से जाकर वो अमाउंट निकलवा सकते हो। जो आपका बिल रिसीवेबल था वो आप बैंक में जाकर पे करोगे और उसके बदले में बैंक जो है वो आपको कुछ डिस्काउंट काट कर आपको कैश में पैसा दे देता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अब इसमें देखो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे कि जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको पता होगा कि बैंक के अंदर कुछ लिमिट दी जाती है। ठीक है, तो बैंक में लिमिट दी जाती है, मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हो, अगर आप कैश से कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हो तो कैश क्रेडिट यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको क्या है कि किसी का अमाउंट पे करना है, ठीक है, तो बैंक क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अभी ये चीज जो है, जो भी रॉ मटेरियल है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो अगर आप अभी परचेज करोगे तो आपको 3 महीने या जितने भी टाइम का जो भी लिमिट है उतने तक आप सामान परचेज कर सकते हो। उसके बाद वो कुछ आपको टाइम दे देता है कि आप 3 महीने तक मेरे को पे कर देना, अगर नहीं करोगे तो मैं उसके बाद में आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये अभी हमने पढ़ा ही था। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, जो हमारे लॉन्ग टर्म्स या मीडियम टर्म्स लोन होते हैं और कैपिटल होती है उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इश्यू आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।